हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शेयरिंग यानी बॉबिन इलास्टिक के बारे में बताऊंगी। इसे कैसे सिंपल मशीन में यूज करते हैं, तो उसके लिए बॉबिन इलास्टिक कुछ इस तरीके से होती है। देखो, इस तरीके की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आई बटन को क्लिक करना उसे बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि एकदम फ्री है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमने खाली बॉबिन लिया है, जिसमें हम इस तरीके की, ये हमारी, इसे शेयरिंग इलास्टिक भी बोलते हैं और बॉबिन इलास्टिक भी बोलते हैं। ये हम इसे बॉबिन में इस तरीके से भरते हैं। इसका एक छोर पकड़ेंगे, इस तरीके से इसका छोर पकड़ के, और इसे हल्का सा इस तरीके से पहले इसमें लपेट लेंगे अच्छे से। अब इसे हल्के हाथों से इसे खींचते हुए इसमें अंदर भरेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसे इस तरीके से खींचते हो जाएंगे और इसे भर लेंगे इसमें। हम इसे मशीन से भी भर सकते हैं, पर मैं इसे आपको हाथ से भर के बता रही हूँ। इसको इस तरीके से बॉबिन को हम भर लेंगे। हमने इसे इस तरीके से बॉबिन के अंदर डाल लिया है। अब हम सिटल का, ये हमारा सिटल है, ये वाला बटन इसका लूज करेंगे। इस तरीके से हमने इसे बॉबिन में भर लिया है, और अभी मैंने थ्रेड को काटा नहीं है। इस तरीके से अपने हाथ में पकड़े हुए इसे छोड़ देंगे तो ये लूज हो जाएगा जब तक हम बॉबिन में नहीं डालेंगे। बाद अब हम इसे बॉबिन को हल्का सा लूज कर लेंगे इधर से, ताकि हमारा थ्रेड आर पार निकल सके इस जगह से। तो हम इसे थोड़ा सा लूज कर लेते हैं इधर से। हम बॉबिन को इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे इस तरीके से, फिर करने के बाद अब इसे लूज कर लेते हैं। ये मैंने अंदर डाल के इसको स्क्यूच, इसको बॉबिन को अंदर डाल के और इसे लूज कर लिया। देखिए, इस तरीके से हम ये देखेंगे उतना ही लूज डालेंगे कि हमारा धागा आसानी से निकले। ये इस तरीके से इलास्टिक ये इस तरीके से आसानी से निकले, और अब हम इसे कट कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसे मशीन में किस तरीके से यूज करते हैं। उसके लिए हम इसे जैसे हमारा बॉबिन लगाते हैं बॉबिन के, उस तरीके से लगाएंगे। लगाने के बाद इसे इसे अंदर डाल दिया है बॉबिन को। हम नीचे का इलास्टिक को ऊपर लेंगे। इस तरीके से हमने ऊपर नीचे के इलास्टिक को ऊपर लिया है इस तरीके से। ये देखिए, ये ध्यान रखेंगे पहले इसे बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही अपना फैब्रिक रखेंगे। अब मैंने ऊपर व्हाइट कलर का थ्रेड लगाया है, तो अब देखिए मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ। फर्स्ट में से हल्का सा खींचेंगे और इस तरीके से हल्का हल्का खींचते जाएंगे, हल्के हाथों से। इस तरीके से देखिए, स्टिच होने के बाद ये इस तरीके से इसका लुक आएगा। मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें व्हाइट कलर का थ्रेड लगाया था ऊपर, और ये इलास्टिक है, तो ये हमारा ऊपर की साइड धागा दिखाई देगा इस तरीके से, और अंदर मैं आपको इसका यूज किसी ड्रेस में करके बताऊंगी। ये बहुत अच्छा लुक देती है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।